अंतिम ओवर में अपनी टीम के लिए शानदार गेंदबाजी कर टीम को जीत दिलाने वाले भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी की सराहना पूरा विश्व कर रहा है। भुवनेश्वर कुमार ने अपनी गेंदबाजी से अपनी काबिलियत को फिर एक बार जरूर ताजा कर दिया। तो वहीं शानदार गेंदबाजी के बाद वर्ल्ड कप में खिलाने को लेकर रोहित शर्मा से बड़ी गुहार लगाते हुए कुछ ऐसा कह गए जिसे सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको क्या बोले भुवनेश्वर। लेकिन अगर आप भी उन्हें एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। अभिषेक शर्मा और अनमोल प्रीत जल्द ही आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद हेड और रेड्डी ने पारी को संभाला। दोनों के बीच एक साझेदारी हुई है। 44 गेंद में 58 रन बनाकर आउट हुए तो नीतीश रेड्डी ने 42 गेंद में 76 रन की पारी खेल डाली। अंत में क्लासेन ने भी 19 गेंद में 42 रन ठोक दिए। 201 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंच चुकी थी हैदराबाद की टीम और इस मजबूत स्कोर के बाद हैदराबाद की टीम की आधी जीत तो लगभग शुरू में भुवनेश्वर कुमार ने ही तय कर दी थी। पहले ही ओवर में उन्होंने बटर को शून्य और कप्तान संजू को भी शून्य के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। यहां से ऐसा लग रहा था कि बड़ी आसानी से इस मुकाबले को जीत जाएगी हैदराबाद की टीम, लेकिन उसके बाद यशस्वी जायसवाल और रियान पराग का भयंकर तूफान आया। दोनों ने भुवनेश्वर कुमार, यानसन और कमिंस सभी का धागा पूरी तरह से खोल कर रख दिया। दोनों खिलाड़ी इतनी ज्यादा आक्रामक नजर आए कि हैदराबाद की टीम की कमर ही तोड़ दी। दोनों के बीच 134 रनों की साझेदारी हुई। जायसवाल 40 गेंद में 67 रन बनाकर आउट हुए। 39 गेंद में जीत के लिए 67 रन की जरूरत थी और 60 रन पर रियान पराग बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद मुकाबला पलटता ही चला गया। 77 रन बनाकर पराग आउट हुए और दो ओवर में जीत के लिए 20 रन की जरूरत थी, लेकिन उसे ओवर में पॉवेल 7 रन बना पाए और उसके बाद मुकाबला अंतिम ओवर में जा चुका था। 6 गेंद में जीत के लिए 13 रन की जरूरत थी और गेंदबाजी के लिए कप्तान ने भुवनेश्वर कुमार को बुलाया था। 6 विकेट गिर चुके थे। बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर रविचंद्रन अश्विन और पॉवेल मौजूद थे, लेकिन स्ट्राइक पर अश्विन थे। पहले ही गेंद पर अश्विन ने सिंगल रन बड़े ही आसानी से दे दिया। 5 गेंद में 12 रन की जरूरत थी। आपकी जानकारी के लिए बता दे, यह रन तो काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहे थे, लेकिन अगली ही गेंद भुवनेश्वर ने जड़ में डाली और पॉवेल ने लोगों की दिशा में शॉट खेलकर 2 रन पूरे कर लिए। 4 गेंद में अभी भी 10 रन की जरूरत थी। शायद यहां पर पॉवेल भुवनेश्वर की रणनीति को पहले ही समझ चुके थे कि यह यॉर्कर गेंद डालने का प्रयास करेंगे और वह पूरी तरह से तैयार थे। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने पीछे की तरफ शॉट खेलते हुए चौका लगा दिया और इस मौके के साथ यह जीत अब राजस्थान रॉयल्स की झोली में जाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि 3 गेंद में 6 रन की जरूरत थी। खचाखच भरे इस स्टेडियम में शोर और भी ज्यादा तेज हो चुका था। कोई नहीं जानता था कि मुकाबला किधर जाएगा, लेकिन अगली गेंद पर फिर एक बार पॉवेल ने शॉट खेला और भागकर 2 रन पूरे कर लिए। आप 2 गेंद में 4 रन की जरूरत थी। उसके बाद भुवनेश्वर ने फिर से यॉर्कर गेंद डाली और लेग की दिशा में शॉट खेल। हालांकि यहां पर 2 रन ले पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन पॉवेल ने डाइव लगाते हुए 2 रन पूरे कर लिए। अंतिम गेंद पर जीत के लिए 2 रन की जरूरत थी। सभी को लग रहा था यह मुकाबला जीत चुकी है लगभग राजस्थान की टीम, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने गति में परिवर्तन करते हुए फुल टॉस गेंद डाली जिस पर पॉवेल चूक गए और LBW आउट हो गए और 1 रन से सनराइजर्स की टीम ने से रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल कर ली। वह शानदार गेंदबाजी कर अंतिम गेंद पर टीम को जीत दिलाने वाले भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि मैं अपना पूरा एफर्ट दिया और परिणाम पूरी तरह से मेरे पक्ष में रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मुझे वर्ल्ड कप में मौका मिलता तो मैं हर एक मुमकिन कोशिश करता अपनी टीम के लिए जीत का कारण बनने का, लेकिन मैनेजमेंट ने मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं जाते। मुझे लगता है मैं अभी भी बहुत गेंदबाजों से बेहतर हूं, लेकिन शायद मेरी कोई सोर्स और सिफारिश नहीं है जिसके चलते मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। मैं रोहित भाई साहब अपील करता हूं कि अगर मुझे टीम में जगह मिली तो मैं अपने देश के लिए एक बार तो वर्ल्ड कप में जीत का हिस्सा बनना चाहता हूं और 140 करोड़ भारतीयों को जीत की खुशी देना चाहूंगा। अगर वह मुझे टीम में मौका दे तो यह मेरे लिए बेहद खुशी की बात होगी। इस तरह से भुवनेश्वर ने मांग करी है रोहित शर्मा द वर्ल्ड कप में खिलाने की। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या भुवनेश्वर को T20 वर्ल्ड कप में खिलाना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।